बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ए न्यूज़ के साथ मैं हूं अती खालिद खनियाल। नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइन पर। पार्टी फंडिंग केस, तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन के दायरा समाज को चैलेंज कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि दायरा समाज का इख्तियार नहीं तो क्या फिर हमें गालियां दी जाती रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के हलका पीके चौहान के मौतल रुकने सूबाई असेंबली मियां जियाउर रहमान की रुकनियत बहाल कर दी। पिशावर हाई कोर्ट का फैसला मौतल। नौशहर और फिरोज के करीब दरियाई सिंध में कश्ती उलटने से चार अफराद जहां बाग, 20 को जिंदा बचा लिया गया। भारत की एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी। रावला कोट के अब्बासपुर सेक्टर पर बिला इख्तियार फायरिंग, पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। सिंध पुलिस में गैर कानूनी भर्तियों और करप्शन केस की समाज, साबिक आईजी गुलाम हैदर जमाली की हाईकोर्ट में पेशी, अदालत ने मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। कराची में बाग इब्ने कासिम को निजी कंपनी को देने का मामला, मेयर वसीम अख्तर ने सूबाई हुकूमत का मुआहिदा कलदम करार देने के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। और भक्कर, जेहलम और दीपालपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सिक्योरिटी फोर्सेज का सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन, 67 अफराद गिरफ्तार।